प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में गृह प्रवेशम कार्यक्रम का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 5,21,000 लाभार्थियों को दिए गए पक्के मकान। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में बड़े घोटाले का मामला आया सामने। एटा जनपद में गरीब लोगों के लिए चलाई जा रही फ्री राशन योजना में हुआ है घोटाला। राशन माफिया खा रहे गरीबों का राशन, जिम्मेदार जानकर भी बने अनजान। गलत बराबर मिल रहा, पर कम मिल रहा है। कम मिल कौन कौन कोटेदार कौन है? जय जैन साहब। जैन साहब अब की बार रिफंड नहीं मिली। रिफंड मिला था आपको? नहीं मिला। धमकी देते हैं। शिकायत की है? मथुरा में सरकारी विभाग द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य में बरती जा रही घोर लापरवाही। नगर निगम द्वारा डाली जा रही पेयजल लाइन से मकानों में आई दरारें। क्षेत्रीय पार्षद नहीं कर रहा लोगों की सुनवाई। लोगों ने नगर निगम के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। परसों से पर लाइन डली है, उसी रास्ते हमारा मकान फट गया है। पानी की लाइन डली है? कौन सी जगह है? पानी की लाइन डली है छिपी गली। छिपी गली से क्या मकान फट गया है? हाँ मकान फट गया है। कितने मकान फट गए लोगों यहाँ पे? 5-6 मकान फट गए। ये विरोध नहीं बल्कि ये एक सजेशन था जिस समय ये लाइन डाली गई थी कि इस लाइन को जो है मानक के अनुरूप ही डाला जाए, लेकिन इस तरीके से डाली नहीं गई और उसका नतीजा ये हुआ कि लाइन जगह जगह से ब्रेक हो रही है और आगे भी ब्रेक होती रहेगी, क्योंकि एक तो इसमें जो है इससे नीचे है लोअर लेवल पर लोहे की लाइन पहले से पड़ी हुई थी। बरेली के क्योलाडिया थाना क्षेत्र में लुटेरों ने जमकर मचाया तांडव। पशु कारोबारी के घर 7 से 8 बदमाशों ने बोला धावा। परिजनों को बंधक बनाकर की लूटपाट। लुटेरों ने भारी मात्रा में नकदी और जेवर लूटे। पुलिस ने 5 लोगों को लिया हिरासत में। व्यक्ति इनके घर में पीछे से आ गए और अलमारी बक्से तथा बेड में रखे कुछ सोने चांदी के जेवर एवं गुल्लक में रखे 15,000 रुपए चोरी करके ले गए। कानपुर देहात पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1 साल से फरार 25,000 का इनामी गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ कानपुर देहात में 7 और इटावा में 2 आपराधिक मामले दर्ज। ये थाना राजपुर में सुरेंद्र सिंह नाम का अपराधी जिसे 25,000 रुपए इनाम था, ये गैंगस्टर एक्ट में पिछले 1 साल से फरार चल रहा था। इसको थाना अध्यक्ष राजपुर कपिल दुबे और उनकी टीम के द्वारा अरेस्ट किया गया है और इसको नियमानुसार जेल भेजा गया। कानपुर देहात पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चेकिंग के दौरान पुलिस ने चोरी की योजना बना रहे 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 2 तमंचे, 2 कारतूस और 3 मोबाइल बरामद। पकड़े गए दोनों अपराधियों पर कई आपराधिक मामले दर्ज। चेकिंग के दौरान थाना भोगीपुर पुलिस द्वारा चोरी की योजना बनाते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम क्रमशः करण और विमल है। करण भोगीपुर का है, विमल थाना सट्टी का है। इन दोनों के पास से एक गुच्छा मिला जिसमें 10 चाबियां, 1 अदद सफल मिला है, 3 मोबाइल मिले हैं और 2 देशी तमंचे मिले और 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। झांसी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने स्वाट और सर्विलांस टीम के साथ मिलकर 3 छात्र चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से लाखों रुपए के जेवरात और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिनके नाम मोहम्मद अफजल, मोहम्मद सुहेल और फिरोज गांधी है। इनके निशादेही पे एक SX4 कार, एक मोटरसाइकिल, कई मोबाइल फोन, सोने की चेन, अंगूठियां ये बरामद हुई है और 5 चोरियों का खुलासा हुआ है जिसमें एक। शाहजहांपुर के थाना बंडा पुलिस ने 4 अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों के पास से 5 किलो 150 ग्राम चरस बरामद। अंतरराष्ट्रीय बाजार में 10,30,00,000 चरस की कीमत। पुलिस ने पकड़े गए तस्करों को भेजा जेल। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चल रही कार्रवाई के क्रम में थाना बंडा को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इनके द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है मुखबिर की सूचना पर, जिनके कब्जे से कुल मिलाकर 5 किलो 150 ग्राम चरस बरामद हुई है जो नेपाल से स्मगल करके लाई गई थी। इस चरस की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है और इनसे गहनता से पूछताछ की गई है और पूछताछ के आधार पर इसके अपलिंक्स और डाउनलिंक्स के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। कन्नौज जिला अस्पताल में दिखाई दे रही घोर लापरवाही। जिला अस्पताल में नहीं रहे जनरेटर का इंतजाम। बिजली न आने पर अंधेरे में डूबा जिला अस्पताल। इमरजेंसी हुई ठप। गर्मी और उमस से परेशान हुए मरीज कई दिनों से बिजली की समस्या के बाद भी नहीं जाग रहा प्रशासन। एटा के SSP कार्यालय पहुंचे
अलीगढ़ रेंज के डीआईजी दीपक कुमार, डीआईजी दीपक कुमार को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। डीआईजी ने एटा पुलिस के अच्छे कामों की सराहना। वही साइबर सेल द्वारा बेहतर कार्य करने पर उन्हें दी शाबाशी। बता दें वार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे थे डीआईजी दीपक कुमार। इसी के साथ इस वक्त की टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश से जुड़ी अन्य तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।